हेलो गाइस, टैक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैंने आपको एक MFP M226DW का बारे में बताएंगे, उसका वायरलेस एंड नेटवर्क सेटअप कैसे किया जाता है। तो आज फिलहाल हमने आपको नेटवर्क सेटअप के बारे में बताएंगे। देखिए, इसमें हमने ऑलरेडी नेटवर्क का सेटअप कर चुके हैं, फिर भी आपको दिखा दे रहे हैं। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो मैनुअली आप इसको कर सकते हैं। पहले आपको नेटवर्क ये सेटिंग में जाना है, उसको क्लिक करना है। देखिए, हमने यहाँ पर सेट कर दिए हैं, तो आपको दिखाएंगे कि आप इसको किस तरह से अपना नेटवर्क में आप सेट करेंगे। इसके लिए आपको, देखिए अभी आपको दिखा रहा है, ये ऑलरेडी मैनुअली हम सेट कर दिए हैं। तो आप इसके लिए सेटअप में जाइए। सेटअप में जाने के बाद देखिए, नेटवर्क सेटअप वहाँ पर दिखेगा आपको। वहाँ पर जाने के बाद आपको इसको सेटअप करना है। देखिए, यहाँ पर जाके पहले IP4 उसमें जाके क्लिक करना है, जाके अपना IP को डालना है। डालने के बाद येस करना है, फिर नेक्स्ट आएगा आपका सब मास्क, उसको आप डाल दीजिएगा 255.255.255.0। देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऊपर में एक्चुअली व्हाइट हो जा रहा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, फिर भी आपको दिखेगा इसमें। देखिए, इसमें दिख रहा है आपका, हमने इसको दिए हैं IP एड्रेस, फिर सब मास्क दे रहा है। सब मास्क में वैसे ही आपको देना है 255.255.255.000, जो आपका IP का सबनेट होता है। फिर इसके बाद आपको गेटवे देना है। गेटवे सेम रहता है जैसे 192.168.1.1 ही रहता है आपका गेटवे। हमने इस प्रिंटर का एड्रेस दिए हैं 100। तो इस तरह से आप भी अपना इसमें दे सकते हैं। इस तरह से आप इसको सेटअप करके मैनुअल जैसे आप सेटअप करेंगे, जब आप दूसरा कंप्यूटर में जाएंगे, देखिए यहाँ पर नेटवर्क सेटअप आपको दिख रहा है, तो आप जब उसमें जाएंगे, जाके वहाँ से आप जैसे प्रिंटर को इंस्टॉल करेंगे, आपका ऑटोमेटिक सर्च में ये प्रिंटर आपको दिखेगा। तो इस तरह से आप इसको नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं, बहुत ईजीली आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत सॉलिड से कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। आने वाला जो वीडियो है उसमें हमने वायरलेस का देंगे, आप उसको जरूर